खिलौना दिलाएंगे संतरा वाला। मैं यहाँ पे दर्शन करने आई थी नई नाग के, तो भैया मिल गए नारियल चढ़ाने इसके पापा। सभी का हमारे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं नई नाग के, जो कि हमारे मेरे ससुराल के पास में ही है, और यहाँ से हम निकल गए हमारे ससुराल से। ससुराल के पास देख सकते हो कितना अच्छा सीन है, पहाड़ वगैरह है। मेरा ससुराल बासको बस्सी में है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं वो बार बार पूछते रहते हैं, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरा ससुराल बस्सी बासको में है, उसी के पास में नईनाथ का मंदिर है, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ दर्शन कर लेना, और आपको भी हम दिखाएंगे। ये जो मंदिर है ना बहुत फेमस है, और यहाँ पे ना दूर दूर से आते हैं दर्शन करने। तो मैं भी आती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो इधर आती थी मैं मंदिर में, जब मैं कार्तिक करती थी जब दर्शन करने पापा मम्मी के साथ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ससुराल यहीं होएगा, शादी यहीं होएगी। ड्रेस पहन रखी है, ये कॉटन की चुन्नी है पीले कलर की, और लहंगा भी देखो ग्रीन कलर का है। ये आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगी जब मैं नीचे उतरूंगी गाड़ी से। तो ये मेरे ससुराल में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे आते हैं हम ज़्यादातर, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। तो ये देखो एक गेट आ चुका है नईनाथ के मंदिर के जाने का, तो ये यहाँ पे गेट बनाया हुआ है बहुत ही प्यारा, और यहाँ का सीन देख सकते हो कितना अच्छा है। तो हम देखो फाइनली पहुँच चुके हैं नईनाथ के मंदिर, और ये मार्केट आ चुका है नईनाथ। कभी यहाँ पे आना हो ना तो ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जब भी आई हूँ ना कुछ मांगा है वो मेरा पूरा हुआ है। ये रहा सामने मंदिर नईनाथ का, तो आप भी हमारे साथ मंदिर में चले, आपको दर्शन कराते हैं। मैं दर्शन कर चुके हैं, प्रसाद चढ़ा चुके हैं, भभूत और जो सपड़ा होता है वो भी ले लिया, और हम यहाँ पे अब आए हैं नारियल चढ़ाने। इसके पापा चढ़ा रहे हैं, ये देखो इतने सारे नारियल चढ़ते हैं, यहाँ पे चढ़ते हैं। ये पीछे का सीन देखो तब प्यारा है, थाली खोल अपनी और अच्छा खींचे। दर्शन कर लिए हैं और हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर में। यह है हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा मंदिर है। वाह ये जान दल आप जानते हो क्या नाम है वहां पे, मैंने लोग में जान जाएंगे आप। साल ले रहा था दिनेश, साल ले रहा था तभी मैंने आपको वहां से जान लिया। थैंक यू आप लोग का प्यार। नवीन मर बात से बस की बात की बस बात बस। हां हमारा हस्बैंड चाहे ना छोड़ छे कैसे कर रहे हैं। थाके जो हमारा रामगढ़ में भी आए थे बार में, पर बांध कर सीता भी रुकी यहाँ पे खिलौने की दुकान पे, खिलौना दिलाएंगे। संतरा वाली मूर्ति खरीदनी है, गणेश जी की, और एक माला खरीदनी है। मंदिर में मेरे फैंस भी मिले हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे मुझे जानते हैं लोग, मेरी वीडियो देखते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं, उन्होंने बोला और फोटो वोटो खिंचवाई, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके। और जब ऐसे फैंस मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी आता है। नहीं तो आप जानते हो गाँव में काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन एक दिन सबके मुँह बंद होंगे और हो भी रहे हैं। बस ऐसे आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखना मेरे साथ, और अब आपको हमारी कोटी भी दिखाएंगे, तो आप बने रहिए लोगों के साथ। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं हमारे फार्म हाउस पे, और ये हमारा फार्म हाउस है पूरा इधर से लेके आगे तक, तो अभी आपको दिखाते हैं पूरा एकदम, बने रहे वीडियो के साथ में। आप अभी पहुंच गए, बस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड में घर वो हमारा है, ये देखो ये हमारा फार्म हाउस है। तो हम आ चुके हैं हमारी कोटी पे, जिसको फार्म हाउस भी बोलते हैं हम। तो अभी देख सकते हो बादल उग रहे हैं चारों तरफ, इधर भी और इधर भी।
पहाड़ है हमारे बस्सी बासको के, और ये कोटी का मकान है, चार पांच कमरे बने हुए हैं यहाँ पे, और वो मेन गेट है उस पर तार लगा हुआ है, हम चाबी लेके नहीं आए। तो आगे का यहाँ पे देखो बोरिंग वोरिंग सब हो रहा है, यहाँ से खेती बाड़ी होती है, और यहाँ पे रहते थे हम पहले, फिर यहाँ पे मतलब यहाँ से हम हमारे गांव वाले घर में शिफ्ट हो गए, नहीं पहले हम यहीं रहते थे, भैंसे वगैरह सब यहीं रहते। और जो मैंने सुंदर सी ड्रेस पहन रखी है ये मैंने बाबा टेक्सटाइल से ली है, तो ये रेगुलर वेयर के लिए ली है मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं लेडीज़ के कि मैम रेगुलर वेयर ड्रेस दिखाओ, तो ये रेगुलर वेयर ड्रेस है। ये देखो सिंपल सी कॉटन की चुन्नी है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है इसका, और इस पर बॉर्डर बनी हुई है, बहुत ही प्यारी है, और नीचे लेस लगी है कूपियों की, बहुत लाइट वेट है और कॉटन में गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। और नीचे सिंपल सा लहंगा है ये, जिस पर पट्टा लगा हुआ है नीचे, और बुकरम लगी हुई है, बहुत अच्छा पट्टा लगा हुआ है जिससे घेर आ रहा है काफ़ी, और नीचे बॉर्डर है, और ये देखो यहाँ पे दो लेस लगी हुई है, इससे बहुत अच्छा लुक आ रहा है, और ये केन लगी हुई है इसके अंदर, सॉरी केन लगी हुई है, देखो बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसके अंदर, और इससे काफ़ी घेर आ रहा है, मैं आपको घुमा के दिखा देती हूँ। तो अगर आपको भी ड्रेस अच्छी लग रही है तो आप जल्दी जाके बाबा टेक्सटाइल की आईडी को फॉलो करें, और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, और स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, इस पे जाके मैसेज करें इस ड्रेस के लिए, और आप इसको ऑर्डर कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके, तो आप जल्दी जाके खरीदिए, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं बाबा टेक्सटाइल पे, तो आप वहाँ जाके फॉलो करें, वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हो आपकी मनपसंद की ड्रेस। तो अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।